हाय एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आप सभी का अपना यूट्यूब चैनल आरके स्टडी पे, मैं हूं रविंद्र कुमार। गाइज, आज हो गया 18 अक्टूबर और इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। सो गाइज, जैसा कि आप सभी को पता है कि जो हमारा स्कॉलरशिप है उसकी लास्ट डेट जो है 21 है, ठीक है। और यहाँ पे एक ऑफिशियल नोटिस आई है जो आपको साइट पे दिख रहा होगा। यहाँ पे आप सभी को ये बताना चाहते हैं कि जो नोटिस आई है उसमें ये बताया गया है कि आपकी जो स्कॉलरशिप की डेट है वो 21 तक है और आपका जो कॉलेज से वेरीफाई कराना है वो 25 तक करा लेना है, ठीक है। तो गाइज, आप सभी को इसी के बारे में आज बात करने वाले हैं, स्कॉलरशिप से रिलेटेड पूरी जानकारी देने वाले हैं और आपको कॉलेज में क्या क्या जमा करने हैं, क्या क्या कैसे करने हैं, ये सारे के सारे आज बात करने वाले हैं। तो गाइज, वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिएगा क्योंकि इससे रिलेटेड आपको वीडियो इस चैनल पर मिलती रहती है। तो चलिए गाइज, आज की वीडियो शुरू करते हैं। और सबसे पहले बात की जो आज जो हम लोग स्कॉलरशिप में जमा करने वाले हैं, क्या क्या मतलब जब हमारा स्कॉलरशिप भरा जाता है, ठीक है, तो फाइनल प्रिंट जब निकलता है तो फाइनल प्रिंट में हम लोगों को क्या क्या जमा करना है उसके बारे में सबसे पहले मैं आप सभी को बता देते हैं। पहला देखिए, सबसे पहले तो जो आपका आय जाती है, जो आपका आय है, ठीक है, अपने माता पिता का जो आय है उसको सबसे पहले उसका फोटो कॉपी चाहिए। और आपको यहाँ पे स्कॉलरशिप भरने के बाद आपको दो सेट में कॉलेज पे जमा करना है, ठीक है। पहला जो सेट होगा वो कॉलेज पे रह जाता है और दूसरा जो होता है वो चला जाता है, ठीक है, जहाँ से हम लोग को छात्रवृत्ति शुल्क आती है। तो आपको रिकॉर्ड के लिए दो फोटो कॉपी करा के दो सेट देना पड़ेगा। तो सबसे पहले हमने बताया कि आय जो है आपका वो देना पड़ेगा, दूसरा है आपका जाति की छाया प्रति देना पड़ेगा और संस्था में यदि आप जो फीस जमा किए हैं वो आपको जमा करना पड़ेगा। इसमें इम्पॉर्टेंट ये है कि जो अनुसूचित जनजाति और जनजाति, ठीक है, जो अनुसूचित जाति है और जो जनजाति है इनके लिए यहाँ पे जो रसीद है उसको देने की ज़रूरत नहीं है, दे देंगे तो और अच्छा है, ठीक है। लेकिन बाकी बात यहाँ पे जो ओबीसी और जनरल में आते हैं उनको तो देना अनिवार्य है। और यदि यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट चीज़ बताया जा रहा है कि यदि आपने साल भर से या दो साल से यदि आप स्कॉलरशिप नहीं लिए हैं और यदि आप फाइनल में हैं तो लेना चाहते हैं या सेकेंड ईयर में लेना चाहते हैं तो आपको गैप का एक पत्र देना पड़ेगा, जो कि यहाँ पे लिखा गया है कि यदि दो कक्षाओं के बीच गैप हो तो अत आशर्त का स्वप्रमाणित पत्र, शपथ पत्र आपको देना पड़ेगा, जिसमें ये साबित करना पड़ेगा कि आपने दो साल क्यों नहीं दिया, क्यों नहीं स्कॉलरशिप लिया और क्यों नहीं भरा, ठीक है। तो इसमें आप कुछ भी बता सकते हैं, जैसे कि ये बोल सकते हैं कि हमने फर्स्ट ईयर में आए थे तो मुझे पता नहीं था, या फिर कुछ भी बोल सकते हैं, इस तरह के कुछ भी आपको बनवाना पड़ेगा एक लेटर, ठीक है, जो जमा करेंगे तब आपका कॉलेज से वेरीफाई करवाया जाएगा। अगला है कि जो यदि कोई भी स्टूडेंट हॉस्टल लेके रहता है तो उसकी भी छाया प्रति देगा, तो उससे क्या होगा कि जब उसकी स्कॉलरशिप आएगी तो उसी में जुड़ कर आएगी, जो आपका एडमिशन फीस था प्लस में जो आपका हॉस्टल फीस है दोनों जुड़कर बैलेंस आता है, ठीक है। यदि आपके पास आप हॉस्टल लिए हैं तब, यदि हॉस्टल नहीं लिए हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, उसकी छाया प्रति नहीं चाहिए। और यहाँ पे लिखा गया है अगला है कि आवेदक के बैंक खाते के पासबुक की छाया प्रति चाहिए, जिसमें कि IFSC कोड और खाता संख्या साफ साफ दिखता हो, वही आप लोग डाले होंगे वही उसको देना है। हाई स्कूल और ट्वेल्थ का आपको अंक पत्र की प्रमाण पत्र की छाया प्रति चाहिए, जो आपने हाई स्कूल इंटर की रिजल्ट होगा, ठीक है। और यहाँ पे लिखा है कि पिछली परीक्षा उत्तीर्ण करने का प्रमाण पत्र, यदि आप सेकेंड ईयर में हैं तो फर्स्ट ईयर का, और फर्स्ट ईयर में है तो ट्वेल्थ वगैरह का, जो टेंथ ट्वेल्थ जो भी जिस बेस पे आप आए होंगे उसका, और यदि आप अगर फिफ्थ सेमेस्टर में है तो सेकेंड ईयर का, ठीक है, फर्स्ट ईयर की जरूरत यहाँ पे नहीं है। तो इतने चीज यहाँ पे आप सभी को देने हैं। और एक आध इम्पोर्टेंट है उसको आप सभी को हम देखकर बता देते हैं, है कि जो अभिभावक हैं हम लोग को माता पिता दोनों की आधार कार्ड की फोटो कॉपी चाहिए, ठीक है। तो दोनों लोग आप लोग आधार कार्ड की फोटो कॉपी करा के जमा करेंगे, ठीक है। और बाकी बात यहाँ पे सभी चीज़ें हमने बता दिए कि आपको क्या क्या जमा करने पड़ेंगे आप जब स्कॉलरशिप भरा लेंगे। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो है वो बताने वाले हैं, वो ध्यान से सुन लीजिएगा गाइज। आपका अभी आज मान लीजिए हो गया 18 अक्टूबर और आपके पास है कितने 3 दिन मात्र हैं, तो जल्दी से आप लॉक करवा के और जल्दी से निकलवा कर, ठीक है, 21 तक निकलवा कर और जल्दी कॉलेज में जमा कर दीजिए, नहीं तो भीड़ हो जाएगी और जब भीड़ हो जाएगी तो आपका जो स्कॉलरशिप है वेरीफाई नहीं होगा। यदि वेरीफाई नहीं हुआ तो आपका स्कॉलरशिप जो है वो आना मुश्किल हो सकता है, ठीक है। तो गाइज, आप हमें पता है कि जो डिप्लोमा क्षेत्र के स्टूडेंट है वो सभी का जो फाइनेंशियल होती है बहुत ही कमज़ोर होती है, तो आप लोग इस बात पर तो ज़्यादा एक्टिव रहिएगा, ठीक है। बाकी बात स्कॉलरशिप से रिलेटेड और अपडेट आते हैं तो आप सभी को बताते रहेंगे।
लेकिन आज ये लास्ट अपडेट है इस समय का कि आप जितना जल्दी हो सके आज कॉलेज में जमा कर दीजिए, ठीक है। जितने लोग लॉक करा चुके हैं आज जमा करा देंगे, नहीं तो छुट्टी हुट्टी चलती रहेगी तो फिर तुम हो गया, ठीक है। तो आई होप गाइस कि इससे आप सभी को क्या कुछ नॉलेज मिला होगा, आपको जानने को मिला होगा कि आपको क्या क्या करना है स्कॉलरशिप में, ठीक है। तो बस आज के लिए इतना ही, मिलेंगे नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा।